नाउ so स्टूडेंट्स uh, अभी तक हमने ई कॉमर्स मैनेजमेंट में से आप जो समझें ई कॉमर्स वाला जो पोजिशन है वो हमने मोर और लेस हमने कवर कर लिया नाउ दैट वॉज द मेजर चंक ऑफ दिस कोर्स अब जो इस कोर्स का लेटर पार्ट यानी रिमेनिंग पार्ट है दैट इज अबाउट मैनेजमेंट लेकिन इट इज़ अबाउट ई कामर्स मैनेजमेंट तो ई कामर्स मैनेजमेंट से मुराद ये है कि जब आप कोई uh, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं आपने सॉफ्टवेयर uh, से रिलेटेड कोई स्टार्टअप कंपनी या कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया तो उस बिजनेस ने सारी जिंदगी छोटा बिजनेस नहीं रहना मतलब आपको आपका बिजनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करता है यानी फॉर एग्जांपल जैसा आपको भी ये पिक्चर नजर आ रही है ये बेसिकली किसी भी स्टार्टअप बिजनेस को शो हो रहा है मतलब जब भी कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है या कोई नया ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च होगा तो उसमें थोड़े लोग होते हैं जिससे आपको ये पिक्चर नजर आ रही है अभी इसमें सात आठ लोग हैं लेकिन सात आठ लोगों ने ही कंपनी का सारा बोझ उठाया हुआ है दिस इज एक्चुअली हाउ अ टिपिकल स्टार्टअप वर्क के जी पाँच छः लोग हैं या तीन चार दोस्त हैं उन्होंने कोई मार्केटिंग का बंदा हायर किया कोई टेक्नोलॉजी का बंदा हायर किया या खुद ही को टेक्नोलॉजी में लग गया एंड सो ऑन और सारे मिल के कंपनी को रन कर रहे होते हैं एंड टिल द कंपनी स्टार्ट वर्किंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंपनी फंक्शनल हो गई है यानी आपने ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर दिया उसमें कुछ प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च कर दिए एंड यू स्टार्ट द कंपनी अब प्रॉब्लम यहां पे आती है मतलब व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस इश्यू स्पेसिफिकली मैनेजमेंट ई कॉमर्स मैनेजमेंट मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं लाइक आई सेड अर्लियर कि जब भी कोई काम करें पहले योर फर्स्ट थिंग वुड बी क्या पहले उस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करें कि क्यों पढ़ना है क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं रट्टा मत लगाएं अब जो अगली पिक्चर आपको शो हो रही है ना दिस इज एक्चुअली शोइंग कि व्हाट हैपन जब कंपनी ग्रो करती है इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली स्केल करना यानी आठ बंदों की कंपनी या सात बंदों की कंपनी से कंपनी फॉर एग्जाम्पल अस्सी या पचास लोगों पर ट्रांसफॉर्म हुई है या एक्सपैंड है तो कंपनी रन करने का तरीका वो नहीं होगा जो सात या आठ बंदों के साथ था यानी जब कोई स्टार्टअप कंपनी ग्रोथ की तरफ जाती है तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है और मैं ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो लोकल आ, हमारा इकोसिस्टम है यानी लोकल कंपनीज हैं खासतौर पे यू नो बिगर जाइंट्स जो कि स्टार्टअप से मूव हुए हैं बिग कंपनीज उनमें ये टिपिकल इशू है इशू क्या है कि जब कंपनी छोटी होती है तो हर बंदा हर एक से बात कर रहा होता है जैसे कंपनी ग्रो होती है तो लोग ज्यादा होते हैं जब लोग ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब है कि आप यू नीड सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज एक्चुअली वेयर प्रॉब्लम कम्स इन के थोड़े लोगों के साथ बातचीत करना ईजी होता है क्योंकि हर बंदा हर एक से बात कर रहा है हर बंदा हर एक से कोई ना कोई मसला डिस्कस कर रहा है लेकिन जैसे कंपनी साइज ग्रो कर रही है तो यू नीड टू सेट सर्टन प्रोटोकॉल्स तो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है टेक कंपनीज में ख़ास पे पाकिस्तान में जो कि स्टार्टअप से ग्रोथ की तरफ जा रही हैं और इवन जो ग्रो कर भी गई हैं या कर रही हैं उनमें भी ये एक बहुत बड़ा मसला ना इस आइडिया को या इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल देता हूँ निकोल टेस्ला एक आ, दिस ये वो बंदा जिसने बिजली इन्वेंट की थी जो हम लोग आज के लिए लाइट और इवन जो इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट है ये जो टेस्ला कंपनी है वो इसी के नाम पे रखी गई है जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं बिजली है आ, और इसी बंदे ने वायरलेस कम्युनिकेशन को क्रिएट किया था या इन्विजन किया था कि बग़ैर तारों के भी कोई कम्युनिकेशन हो सकती है इस बंदे के बारे में मशहूर है कि इस बंदे की फोटोग्राफिक मेमोरी थी मतलब ये जो चीज सोचता था इसके सामने उसकी पिक्चर बन जाती थी और हमेशा याद रखें जो पिक्चर होती है ना उसको समझना दस गुना आसान होता है एज कंपेयर टू जो लिखा होता है लेकिन इसके साथ एक इशू था ही वॉज वेरी गुड एट आइडियाज बट ही वॉज रियली रियली वेरी पुअर एट मैनेजमेंट एंड बिजनेस इसकी इस आर्गुमेंट को अगर मैं सबसे ट्रिएट करूं जो मैं और आप आजकल बिजली यूज करते हैं वो जिस बंदे का आइडिया था जिस बंदे ने ईजाद की थी वो बंदा जब दुनिया से गया है, तो अपने पेंशन का चेक वो कलेक्ट कर रहा था और कबूतरों को दाने डाल दा रहा था मतलब कोई भी इन्वेस्टर उसकी आइडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं था ही वॉज वेरी बैड एट मैनेजमेंट और यह मैं आपको रियल टाइम एग्जाम्पल इसलिए दी है कि दिस इज एक्चुअली वॉट है दुनिया भर में तो आइडिया जनरेट करना एक चीज है मतलब आपने ई कॉमर्स स्टोर ओपन कर लिया फाइन आपने उसको स्टार्ट कर दिया फंक्शनल मोड में आ गया फाइन आपने सारी जिंदगी स्टार्टअप नहीं रहना एक और बड़ी बहुत बड़ी मिट पाकिस्तान में और दुनिया में है कि जी हम तो स्टार्टअप मोड है अब स्टार्टअप मोड का मतलब पाकिस्तान में यह है कि हर वक्त कोई ना कोई क्रियोटिक सिचुएशन रहेगी हर वक्त कोई ना कोई क्राइसिस ही रहेगा तो हम काम कर रहे हैं वना नहीं कर रहे तो आइडिया जनरेट करना एक चीज है लेकिन एक बड़ा मशहूर यू नो फेमस प्रोवर्ब है कि डेवल्स इज इन द डिटेल यानी जब आप उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने जाते हैं ना जो उसकी एग्जीक्यूशन होती है वो एक्चुअली असल एसेंस होती है ऑन एवरेज एक एक ह्यूमन एक बंदा एक घंटे में सैकड़ों आइडियाज जनरेट कर रहा होता है दिस डज नॉट मीन के सैकड़ों के सैकड़ों आइडियाज एग्जीक्यूट भी होंगे एंड एग्जीक्यूशन इज एक्चुअली मैनेजमेंट रीजन के जो टेक कंपनीज होती है ना वो मेजरली सफर करती है उस वक्त जब उनको एक्चुअली बिजनेस सेंस या रोल आउट करना है क्योंकि बिजनेस को स्केल करना You know, मैनेज कर करने का तरीका जो टेक के लोग हैं उनको मैनेज करने का तरीका और लट सपोज कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कोई मकैनिकल कंपनी है वो डिफरेंट है टेक के लोग मशीनरी नहीं होते तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं अमूमन मैंने बहुत दफा देखा कि जी सॉफ्टवेयर की फील्ड में जो मैनेजर्स होते हैं वुमन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आए होते हैं तो दे ट्रीट पीपल लाइक यू नो मशीन मजदूर की तरह ट्रीट करते हैं तो so ये डिफरेंट ये साइकी है और ये बहुत हम लोग सफर कर रहे हैं लोकली uh, पाकिस्तान में दैट इज द रूट कॉज आई हैव इंटेंशनली चूजन टू स्पीक अबाउट दिस टेक मैनेजमेंट थिंग इन ई कॉमर्स मैनेजमेंट